मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं और मुद्दे बनाऊं, तो आई एम सॉरी, मैं वो नहीं बना पाया। डिसअपॉइंटेड था कि यार कोई भी फ्रेश रिश्ता नहीं है यहाँ पे, सो आई वाज लुकिंग फॉर अ फ्रेश फेस जिसके साथ मैं एक नई दोस्ती या एक नया कनेक्शन बना पाऊं। लोगों ने उनकी पर्सनालिटीज देख ली है और अगर चैनल को ऐसा लगता है कि वो ओल्ड पर्सनालिटीज को बीच में डालेंगे, एक्सटेंडेशंस का डालेंगे, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना वर्क। आपका एलिमिनेशन तो हुआ ही, लेकिन उसके अगले दिन 3 और लोग घर से बाहर हो गए हैं, तो क्या लगता है ये एक के बाद इतने सारे इविक्शन और उसके बाद वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री होने वाली है, तो ये कौन सा ट्विस्ट लाना चाहते हैं बिग बॉस? तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे बाद 3 और एलिमिनेशन होने वाली है, हुई है। आई स्टिल डोंट नो अबाउट इट, लेकिन अगर हुई है तो आई थिंक कि बिग बॉस वाकई में कोई बड़ा ट्विस्ट लेके आना चाहते हैं। लेकिन आई जस्ट लाइक टू से वन ऑनेस्ट ओपिनियन आई लाइक टू गिव, बिकॉज मुझे किसी का ना डर है और ना ही मैं किसी की परवाह करता हूँ। आई जस्ट लाइक टू से बिग बॉस को एक चीज की, बिग बॉस ये शो सिर्फ लड़ाइयों का नहीं है, और अगर आपको लगता है कि लोग इसको बड़ा बना सकते हैं तो ये भी मेरे ख्याल से आपकी गलत फहमी है। मुझे लगता है कि एक रियलिटी शो है और यहाँ पे लोग अगर रियलिटी शो एक होप से खोल के देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि रियल लाइफ में एक इंसान कैसा है और वो कैसी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेगा, किस तरीके से सिचुएशन के साथ डील करेगा। आई थिंक दैट शुड बी द रियल रिक्वायरमेंट रादर देन कि हम चीखें, हम आर्ग्यूमेंट्स करें। मुझे लगता है कि दैट्स लाइक वे इमेच्योर टू डू। और जब मैं लिटरली प्रैक्टिकली भी अपनी आंखों से किसी को 2 परांठों के पीछे लड़ता हुआ देखता था या प्याज के पीछे लड़ता देखता था, तो मुझे लगता था, मुझे को लिटरली लाइक फुलिश फील होता। मुझे लगता था कि मतलब हाउ फुलिश ऑफ देम, मतलब तुम मेरे प्याज ले लो, मेरी रोटी ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, खाना मुझे बहुत पसंद है, पकाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लिटरली वो बहुत ही अनवैलिड पॉइंट लगता था, इनवैलिड पॉइंट लगता था कि यार तुम कैसे इस बात का मुद्दा बना सकते हो। मतलब इन दी एंड पीपल आर वाचिंग, दे नो हु जय भानुशाली इज, दे नो हु करण कुंद्रा इज, दे नो हु सिम्बा नागपाल और whoever was in the game, who they are। एंड एक्टिंग करते हुए उन्होंने आपको बहुत देखा है। अगर वो मेरे को वाकई में एक्टिंग करते हुए देखना चाहते हैं तो वो मेरे को डेली सोप में देखें, वो मेरे को कोई और प्रोजेक्ट करते हुए देखें जिसमें वाकई में एक्टिंग कर रहा हूँ। अगर मैं रियलिटी शो कर रहा हूँ और अगर वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं और मुद्दे बनाऊं, तो आई एम सॉरी, मैं वो नहीं बना पाया, बिकॉज मुझसे इन सब बातों में मुद्दा बनता नहीं। मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करने और प्यार बटोरने किस्म का इंसान हूँ और मुझसे ये सब नहीं होता। सो आई एम सॉरी, एंड ना ही मैं ऐसी गलतफहमी जस्ट फॉर द सेक कि मुझे दिखना है, मैं अपने फैंस के दिल में क्रिएट करना चाहूंगा। मैं जैसा हूँ बहुत खुश हूँ और अपने आप में बहुत सैटिस्फाइड हूँ, और जो मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो ऐसे ही एक्सेप्ट करें। दैट्स इट अबाउट मी। ओके सिम्बा, आपसे एक और चीज जानना चाहते हैं। जैसे घर के बाहर आप आए हैं और आपको कहीं ना कहीं देखा गया था कि आप इंतजार कर रहे थे कि वाइल्ड कार्ड आपके आते ही एंटर कर देते तो ज्यादा अच्छा होता, तो वो चीज सभी ने नोटिस की, तो क्या कहना चाहेंगे? पर्सनली तो देवो घर में आई थी और उनका क्या, उनके बारे में तो आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, और रश्मि और अब राखी की भी बात की जा रही है कि राखी भी घर में आने वाली है, तो क्या लगता है इनकी एंट्री से क्या वाकई में फर्क पड़ेगा? जी, मैं ऑनेस्टली जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं बनूंगा और मैं किसी की परवाह नहीं करता कि मेरे को अच्छा बनना है क्या बनना, तो मैं एकदम ब्लंटली जवाब दूंगा। तो मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैंने ये बात क्यों की कि मेरे को वाइल्ड कार्ड का इंतजार है, तो मेरे को वाइल्ड कार्ड का इंतजार डेफिनेटली था, एंड आई होप कि कोई ऐसा वाइल्ड कार्ड आए जो कि फ्रेश फेस हो रादर देन यू नो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा पक चुका था ये सब देख के कि लोग सालों साल पुराने रिश्ते बना के आए हैं और अब वो बिग बॉस में एक साथ मिले हैं। तो मैं उस चीज से वाकई देख के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था कि यार कोई भी फ्रेश रिश्ता नहीं है यहाँ पे. सो आई वाज लुकिंग फॉर अ फ्रेश फेस जिसके साथ मैं एक नई दोस्ती या एक नया कनेक्शन बना पाऊँ, नो मैटर वेयर इट गोज, डजंट मैटर. तो मैं ये तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था. और रही बात देवोलीना की, राखी सावंत के आने की, तो नो डाउट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज और उन्होंने बहुत अच्छा खेला है पास्ट में जाके. लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने उनकी पर्सनालिटीज देख ली है और अगर चैनल को ऐसा लगता है कि वो ओल्ड पर्सनालिटीज को बीच में डालेंगे, एक्सपेंडेशंस का डालेंगे, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना वर्क. Because in the end, people, if I see myself as an audience, तो मैं कुछ नया देखना चाहूंगा, मैं नई chemistries देखना चाहूंगा rather than मैं same chapter के पन्ने बार बार पढ़ के दोहराऊं. तो वो दोनों, वो सब बहुत strong है. रश्मि बहुत strong है, देवोलीना बहुत strong है, राखी सावंत बहुत strong है, and I love them all. लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आएंगे और इससे टीआरपी बढ़ेगी, तो I don't think so. मुझे लगता है कि हमेशा स्टोरी के अंदर कोई नया ट्विस्ट आता है और जिस तरीके से आप एक अच्छा स्टोरी को यू नो एक मोरल देते हैं, आप एक कहानी चलती हुई कहानी के अंदर एक नया ट्विस्ट देते हैं, मोरल देते हैं, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ता है एक ऑडियंस को rather than आप नए कैरेक्टर्स उसके अंदर ठूसें. तो मेरा यही मानना है एंड आई विश ऑल ऑफ देम गुड एंड मुझे पता है कि सब बहुत ही अच्छा करेंगे एंड अगर वो जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन मैंने बिग बॉस के प्लेटफॉर्म को इससे कहीं बढ़कर समझा एंड आई थिंक कि वो इससे कहीं बेहतर कर सकता है rather than you know putting old contestants in it. मुझे लगता है इससे भी ज्यादा पोटेंशियल है कई लोगों में यहाँ पर एंड उनको मौका देना बहुत ज्यादा जरूरी है. एक्सेप्ट फॉर यू नो जस्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक कि बिग बॉस इससे कहीं ऊपर है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप ऑडियंस को और दर्शकों को एक अच्छी सीख दे सकते हैं, एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं जिसको वो अपनी लाइफ में दोहराए rather than you know just to make it entertainment, आप उसमें कुछ भी दिखाएं. सो मैं बस यही बोलना चाहूंगा. लास्टली बहुत क्विकली जाना चाहूंगी आपसे, आपको क्या लगता है कि इस समय ओटीटीज वाले भी घर में हैं और फाइनली जो बिग बॉस 15 के जंगल में जो थे, जो इस बार के फ्रेशर्स थे बिग बॉस 15 के, उसमें से आपको क्या लगता है किसको विन करना चाहिए? किसको विन करना चाहिए? ये मेरे ख्याल से सभी बहुत ज्यादा डिजर्विंग है और सबने अपने गेम के प्रति बहुत ज्यादा इनपुट दिया है. लेकिन मैं पर्सनली चाहूंगा उस इंसान का जीतना जो कि खुद से सबसे ज्यादा रियल रहा एंड जो अपने ज़मीरों पे खड़ा उतरा rather than for the sake of the show, जिसने जो चीजें दिखाई या पोर्ट्रे करी वो जीते. उससे अच्छा मुझे कब ज्यादा खुशी होगी जब कोई रियल इंसान जीते. और मुझे लगता है अगर कोई बचा कुचा रियल इंसान शो में है तो वो है निशांत या फिर प्रतीक या फिर शमिता, जो कि मेरे को लगता है कि थोड़े बहुत तो एटलीस्ट रियल है rather than if I compare them to Karan और तेजस्वी और anyone else. तो मुझे लगता है वो comparatively ज्यादा रियल है. बाकी मुद्दे सभी बहुत उठाते हैं दिखने के चक्कर में, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कंपैरेटिवली यस उनमें से अगर कोई भी जीते, कोई रियल इंसान जीते तो मुझे ज्यादा खुशी होगी.